जिलाधिकारी केवीएन पांडियन ने खाद बीज को आवश्यक वस्तुओं में शामिल करते हुए शनिवार और रविवार को लॉकडाउन के दौरान भी खाद और बीज की दुकानों को खुलने की अनुमति दी। इस संबंध में जिलाधिकारी केवीएन पांडियन ने बताया कि किसानों की फसलों को नुकसान न हो, इसके लिए यह निर्णय लिया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि बाढ़ में किसानों की फसलों को काफ़ी क्षति हुई है और उन्हें दोबारा प्रयास करना पड़ रहा है, जिसको देखते हुए शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी के दौरान खाद बीज की दुकानों को खुलने की अनुमति दी गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी केवीएन पांडियन ने कहा, अवश्य वस्तु के श्रेणी में आता है, इसलिए तो इस समय में टॉप ड्रेसिंग के लिए जरूरी है किसान के लिए। जो यूरिया गोरखपुर के लिए फिलहाल नहीं है, वेस्टर्न यूपी में ज़्यादा है, बट यहाँ पर तो लेट सोइंग जो कौन विलम्ब से करते हैं। अब देखे होंगे तो पहले बाढ़ की वजह एक बार ज़्यादा फसलें नष्ट हुई है, फिर दोबारा कुछ किसान ने अभी हिम्मत जुटा करके करा रहे हैं। उनका सहयोग के रूप से हम लोग उसका बीज का गोदाम हम लोग संडे सैटरडे लॉकडाउन में भी खोल रखेंगे।